वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। जेके एसएसबी का जो भी सिलेबस रहता है उसमें अगर साइंस का टॉपिक हो तो साइंस उसमें एक सब टॉपिक रहता है विटामिन्स। आज की क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि विटामिन्स जो इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एफ जी होपकिन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि विटामिन्स को इन्वेंट किसने किया। तो इसने फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एफ जी होपकिंस। द टर्म विटामिन वाज कॉइंड बाय, अगर ये क्वेश्चन आता है कॉइंड किसने किया है, सी फंक ने इसको कॉइन किया है। उसके बाद विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच कैन नॉट बी सिंथिसाइज्ड इन अ सफिशेंट क्वान्टिटीज बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्राम द डाइट। ये ऑर्गेनिज्म इसको सिंथिसाइज नहीं कर सकता है बल्कि इसको डाइट के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, खान पीन के ज़रिए, इसको न्यूट्रिशन के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स नो कैलोरीज, इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। दे ऑनली रेगुलेट द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विटामिन को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। विटामिन्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप्स। एक का नाम है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप्स में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है विटामिन ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी ये फैट्स के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के। तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, वहाँ ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी, डी, तो वहाँ पर आपने देखना है कि ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है फैट सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल कौन है, जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर के साथ, वो कौन कौन से हैं, विटामिन ग्रुप बी, बी के ग्रुप, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, सेवन, नाइन, ट्वेल्व, ये वाले ग्रुप्स जो विटामिन है ये, और विटामिन सी। और कौन सा है, विटामिन सी, यानी इसमें दो ही विटामिन आते हैं, एक बी ग्रुप का आता है और दूसरा सी आता है। तो फैट सॉल्युबल कितने हैं, चार हैं, ए, डी, ई, के। तो हम पहले विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को सही कर लूँ, सॉरी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन नॉर्मली डू नॉट शो हाइपर विटामिनस, ये क्या नहीं बताते हैं, हाइपर विटामिनस नहीं शो करते हैं। दिस डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन, जब हम विटामिन्स को ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं अपने खान पीन के साथ, जब हम विटामिन्स ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो इस डिज़ीज़ को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सेस ऑफ विटामिन्स ले लेते हैं तो वो एज द एक्सेस ऑफ विटामिन्स इज़ नॉर्मली एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। जब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं जैसे बी और बी ग्रुप्स और सी, तो जब ये एक्सेस में ले लेते हैं तो इनका क्या मसला रहता है, ये हाइपर विटामिनस जो डिजीज़ है उसको शो नहीं करता है, क्योंकि ये अगर एक्सेस में हम ले लेते हैं तो नॉर्मली ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं अगर एक्सेस में हो तो। इसलिए ये वाली बीमारी जो है, ये डिजीज़ जो है हाइपर विटामिनस, ये शो नहीं होती है। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व, ये इसमें क्या होता है, कंटेन कोबाल्ट होता है इसमें। विटामिन डी क्या करता है, इज सिंथेसाइज इन अवर स्किन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम जब धूप में बैठे होते हैं, हम मजाक में कहते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो
विटामिन डी जो सिंथेसाइज हमारी स्किन में होते हैं वो कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की होती है उनकी वजह से, ठीक है। अब विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये इज सिंथेसाइज इन अवर कलोन, कलोन कहते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनको कहते हैं, बाय द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया एक होता है उसके ज़रिए जो है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब हम को देख लेते हैं विटामिन, जो विटामिन और इनकी केमिकल नेम क्या है और डेफिशिएंसी क्या है, तो ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि विटामिन जैसे आपको दे दिया होगा रेटिनोल, फिर आपको क्वेश्चन पूछा होगा रेटिनोल किस विटामिन से होता है, तो वहाँ विटामिन ए जो है आंसर, या नाइट ब्लाइंड कहा होगा कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी किस डिजीज़ की है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ दिया होगा, तो इस तरह से, ठीक है। हम विटामिन पढ़ेंगे, उनके केमिकल नेम पढ़ेंगे, और उसके बाद डेफिशिएंसी किस कौन सी डिजीज़ होती है इनकी डेफिशिएंसी से। विटामिन ए, ये केमिकल नेम इसके हैं रेटिनोल, रेटिनल और कैरेटिनोड, ये तीन नाम आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ये इसके अलावा एक दो नाम और हैं लेकिन अक्सर एग्जामों में इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं नामों को देखा गया है, रेटिनोल, रेटिनल और कैरेटिनोड। इसमें भी रेटिनोल या रेटिनल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है, इसकी डिजीज़ कौन सी, इसकी डेफिशिएंसी से लगती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर केराटोसिस, केराटोमलेशिया, और उसके बाद थिननेस इन स्किन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ये इनकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती हैं। विटामिन ए, रेटिनोल, रेटिनल, कैरोटिनोड और नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी डिजीज कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर कैरोटोसिस, कैरोटोमलेशिया, कैरोटोमलेशिया और थिननेस, और ये कैरोटोमलेशिया है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसेशन अलग अलग से होती है, तो यहाँ पर हमने ये हमारे पास प्रोनाउंसेशन अवेलेबल थी, इसी से हमने, क्योंकि प्रोनाउंसेशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। विटामिन डी, ये हम पहले पढ़ रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ये वाले विटामिन जो है ये चार विटामिन ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अब विटामिन डी, अब आप कहेंगे बी और सी क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, हमने ग्रुप के हिसाब से इनको डिवाइड किया, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर भी इनको मेंशन किया है। विटामिन डी जो है कैल्सीफिरोल, विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम है, क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। इनकी डिजीज कौन सी है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। आपको अक्सर एग्जाम में ये रिकेट्स वर्ड मिलेगा, रिकेट्स जो डिजीज है, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज है किस विटामिन की वजह से है, तो विटामिन डी, ये कैल्सीफिरोल होगा केमिकल नेम, उसको विटामिन बताना है, तो विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, रिकेट एंड ऑस्टियोमलेशिया, यहाँ तक याद हो गया। अब हम आगे देखते हैं, विटामिन ई की बात अगर हम कर रहे हैं, ट्रोकोफिरोल, ट्रोकोफिरोल और ट्रोकोट्राइनोल, ट्रोकोट्राइनोल ये दो वर्ड्स हैं, ट्रोकोफिरोल और ट्रोकोट्राइनोल, लेस फर्टिलिटी, स्टरलिटी, अबॉर्शन इन फीमेल्स, लेस फर्टिलिटी किससे होती है, विटामिन ई से होती है, लेस फर्टिलिटी, स्टरलिटी, अबॉर्शन इन फीमेल्स और मसल्स एंड नर्वस डैमेज, ये चार डिजीज होती हैं इनकी, इसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से, ट्रोकोफिरोल, ट्रोकोट्राइनोल, लेस फर्टिलिटी, स्टरलिटी, अबॉर्शन इन फीमेल, ठीक है। विटामिन के की हम अगर बात करें, फाइलोकिनोन, फाइलोकिनोन ये कौन सा वर्ड है, फाइलोकिनोन, नेफोथोकिनोन, ये किसकी वजह से होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हेमोफिलिया, हेमोफिलिया ये दो बीमारियां हैं, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और हेमोफिलिया, ठीक है। यहाँ तक जो थे ये फैट सॉल्युबल थे, अब हम इसके बाद वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल में जो होता है, पहला विटामिन B1, थायमाइन, क्या है, थायमाइन, बेरी बेरी, विक्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, विक्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। विटामिन बी टू क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, एरिबोफ्लेविनोसिस, क्रैकिंग ऑफ स्किन। इसमें आपको ये वाला वर्ड ज़्यादा एग्जाम्स में आपको मिलेगा, ये वाला केमिकल नेम विटामिन बी टू का, राइबोफ्लेविन, क्रैकिंग ऑफ स्किन्स, रेडिश आइज,
क्रैकिंग ऑफ टंग, क्रैकिंग ऑफ टंग, उसके बाद एक चाइलोसिस, ये भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाइलोसिस, चाइलोसिस, राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविन, क्रैकिंग ऑफ स्किन्स, रेडिश आइज, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, चाइलोसिस, चाइलोसिस, क्रैकिंग ऑफ टंग, रेडिश आइज, क्रैकिंग ऑफ स्किन, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद B3, विटामिन B3, नाइसिक ऑफ नेकोटिक, नेकोटिनिक एसिड, नाइसिक ऑफ नेकोटिनिक एसिड, पेलग्रा, ग्लोसिस्टिस, ग्लोसिस्टिस, मेंटल रिटॉर्डनेस, मेंटल रिटॉर्डनेस, विटामिन B3, नाइसिक ऑफ नेकोटिनिक एसिड, नाइसिक ऑफ नेकोटिनिक एसिड, पेलग्रा, पेलाग्रा, ग्लोस्टिस, ग्लोसिस्टिस, मेंटल रिटॉर्डनेस, ठीक है यहाँ तक आप याद रखेंगे। उसके बाद B5, विटामिन B5, पेंथोटेनिक एसिड, पेंथोटेनिक एसिड, पेंथोटेनिक एसिड, प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर्स, प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर, एक्रोमोट्राइचिया, एक्रोमोट्राइचिया, क्या वर्ड है एक्रोमोट्राइचिया, इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे आप। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6, पायरीडॉक्सीन, 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 एबनॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कन्वुलजेंस इन चाइल्ड, कन्वुलजन इन चाइल्ड, विटामिन B6, पायरीडॉक्सीन, पायरीडॉक्सीन, एबनॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है यहाँ तक ही आप याद रखेंगे। विटामिन B7, बायोटीन, बायोटीन, विटामिन B7, बायोटीन, डर्मेटिसिस, डर्मेटिटिस, एंट्रिटिस, एंट्रिटिस और एनीमिया, ये तीन वर्ड, ठीक है प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे आप, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। विटामिन B9, फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है ये वाला, फोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड, मेगालोब्लास्ट, बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन, 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 कंटेन कोबाल्ट, कंटेन कोबाल्ट, प्रीनिशियस एनीमिया, प्रीनिशियस एनीमिया, जेंडस, ठीक है ये इसमें, ये B12 में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला है विटामिन C, ये भी वाटर सॉल्युबल है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, स्कर्वी, स्कर्वी, विटामिन सी, ये भी अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ये एक बार ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, ब्लीडिंग इन जम्स, डिले इन हीलिंग ऑफ वोंड्स, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। ब्लीडिंग इन जम्स, डिले इन हीलिंग ऑफ वोंड्स, वीकनेस एंड फटीग, इजी फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन्स, ठीक है यहाँ तक ये समझ आ गया। आगे हम देखेंगे थोड़े से इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के अभी हमने पढ़ा, ठीक है ये आगे मैंने इनको बताया कि विटामिन के दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, आप ये इसको एक्स्ट्रा चीज़ें ये देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर मैनी ईयर्स, तो विटामिन B12, ठीक है ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैंने रखे थे, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसके अलावा हम MCQs पर भी एक वीडियो और लाएंगे, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रेंट फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और टू प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट, तो ये कौन सी है, फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन B9, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के, ठीक है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लीडिंग कॉज इन ब्लाइंडनेस,
इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस में आती है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू डिवेलप स्कर्वी, विटामिन सी, तो विटामिन सी इसमें क्या है, अ लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम इसको भी देख लेते हैं। वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन फ्रेगिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल आर बी सी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई।